यस स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका पी एंड एल ऑपरेशन अकाउंट का सेकंड टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कंप्यूट किया था, कौन देता है, किसको देता है, कैसे कंप्यूट किया था, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक आता आपका पी एंड एल ऑपरेशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Paid by partners to firm. Interest on drawing partners firm को देते हैं, तो ये partners के लिए expense है क्योंकि partners ने pay किया और firm को ये मिली, तो firm के लिए income है। अब इस interest on drawing को अगर आप compute करना चाहते हैं तो इसको कंप्यूट करने के, हमारे इंटरेस्ट अकाउंट को कंप्यूट करने के दो मेथड थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करने के। मेरे हिसाब से तीन मेथड है। पहला मेथड होता सिंपल मेथड, दूसरा मेथड होता प्रोडक्ट मेथड, तीसरा मेथड होता आपका इसके अंदर अल्टरनेटिव मेथड। तो तीन मेथड होते हैं। मेन क्वेश्चन है इसका कौन सा मेथड कब इस्तेमाल किया है। ये अल्टरनेटिव मेथड जो है ये नाम मेरा रखा हुआ है, ऐसा कोई मेथड है नहीं, ये हमने अपने आप मेथड नाम रखा हमने, जिससे आप आसानी से समझ सको कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। पहले आता है सिंपल मेथड। इफ पार्टनर्स विथड्रॉ अमाउंट on fixed date after fixed period, दो चीज फिक्स होती है इसमें, fixed date, fixed period, यानी कि पैसा जो निकलना चाहिए उसका गैप सेव होना चाहिए और जो पैसा निकालने की डेट है वो डेट सेव होनी चाहिए। डेट हमारी तीन हो सकती है, मंथ स्टार्ट यानी कि एक तारीख, मंथ मिड यानी 15 तारीख और मंथ एंड यानी कि 30 तारीख। हो सकता है पार्टनर हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाले, हो सकता है पार्टनर हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाले, हो सकता है पार्टनर हर महीने की 31 तारीख को पैसा निकाले। तो पैसा निकालने की तीन डेट हो सकती है, महीने की शुरू की, महीने की बीच की, महीने की एंड की, लेकिन डेट सेम रहेगी हर महीने और जो गैप है वो गैप हर महीने का सेम होगा, ना तो बीच का गैप चेंज होना चाहिए और ना ही हमारी डेट चेंज होनी चाहिए। इसके अंदर डेट ऑफ ड्रॉन और अमाउंट ऑफ ड्रॉन बोथ गिवन, बट इट्स नॉट सेम, लेकिन ये हमारी सेम नहीं है। कितना पैसा निकाला ये भी बता रखा है, किस डेट में निकाला ये भी बता रखा है, लेकिन वो सेम नहीं है। कभी भी पार्टनर कितना भी पैसा किसी भी डेट में निकाल सकते हैं, वो मेथड होता है हमारा इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड। डेट भी दे रखी होगी, अमाउंट भी दे रखी होगी, लेकिन वो सेम नहीं होगी। अल्टरनेटिव मेथड ओनली अमाउंट ऑफ ड्रॉन के, डेट नॉट, सिर्फ क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स की अमाउंट दे रखी होगी, यहाँ पर आपको डेट नहीं बता रखा होगा, तो मेथड रहेगा आपका इसके ऊपर अल्टरनेटिव। तो तीन मेथड है, पहला सिंपल कब लगेगा, फिक्स डेट फिक्स पीरियड, यहाँ पर डेट सेम है, अमाउंट सॉरी डेट और अमाउंट दे रखी है, लेकिन ये दोनों जो है हमारी सेम नहीं है और यहाँ पर सब अमाउंट दे रखे, डेट क्वेश्चन दे ही है। इस मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का वो होता है टोटल ड्रॉइंग्स पूरे 12 महीने की इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12।
ये एवरेज पीरियड क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर वही पुराना फॉर्मूला जो पहले इंटरेस्ट चैप्टर में, तो वही सेम फॉर्मूला यूज होता है, सिर्फ मेथड चेंज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। और अल्टरनेटिव मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स पूरे 12 महीने की इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये फार्मूला होता है हमारा अल्टरनेटिव मेथड का। तो तीन फार्मूले हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंप्यूट करने के, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और आपका अल्टरनेटिव मेथड। सिंपल मेथड फार्मूला टोटल ड्रॉइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज अपॉन 12, उसमें टोटल प्रोडक्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12, टोटल ड्राइंग्स रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। ये दो फार्मूले हैं आपके, तीन फार्मूले हैं इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हमारा, एक पॉइंट आया हमारा, अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है, ये जो एवरेज पीरियड है ये एवरेज पीरियड क्या होता है। तो हम बात करते हैं एवरेज पीरियड के बारे में। इफ पार्टनर्स विथड्रॉ अमाउंट रेगुलर 12 मंथ, अगर पार्टनर्स ने पैसा लगातार 12 महीने निकाला, हर महीने निकाला पूरे 12 महीने, तो जो एवरेज पीरियड यूज होगा या तो 6.5 या 6 या 6.5। अगर फर्स्ट तारीख को है, फर्स्ट डेट है, अगर 15 डेट है और अगर 30 या 31 डेट। अगर पैसा हर महीने की 1 तारीख को निकाला तो एवरेज पीरियड यूज होगा हमें 6.5/12। पैसा 15 तारीख को निकाला गया, डेट कितनी है हमारी 15 है, यूज होगा यहाँ पे 6/12। और डेट अगर 30 या 31 है तो यूज होगा 5.5/12। कब? अगर पैसा पूरे 12 महीने जो है कुछ पैसा विड्रॉ किया गया। दूसरा आता है इफ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट रेगुलर 6 मंथ, लगातार 6 महीने पैसे निकाल, लगातार 6 महीने, ये 6 महीने साल के एंड के होंगे, यानी कि कहें तो हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक के जो लास्ट के 6 महीने वो 6 महीने होंगे। तो अगर पैसा लगातार 6 महीने निकला है 3.5 या 2.5, 3.5 स्टार्ट है, 3 मिड है और 2.5 एंड है, ये सब क्या है आपके एवरेज पीरियड। इन सबको कंप्यूट करने का फॉर्मूला है, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में आप वैल्यू भी अभी फीड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टिप्पी कर रहे हो, क्योंकि आप याद करना फिर ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए और टाइम भी सेव होगा। तीसरा, इफ पार्टनर विड्रॉ अमाउंट रेगुलर ईच क्वार्टर, अगर पैसा हर क्वार्टर में निकाला गया, पैसा कब निकाला गया, हर क्वार्टर, क्वार्टर होता है 3-3 महीने बाद, तो क्वार्टर के लिए या तो 7.5 या 6 या 4.5, क्वार्टर के स्टार्ट 6.5 क्वार्टर की मिड 6 और क्वार्टर की एंड 4.5। अगर हमसे कोई पूछो क्वार्टर कितने होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर, तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च।
ये एक साल में चार क्वार्टर हैं आपके। तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून है, दूसरा जुलाई से सितंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है, फिर जनवरी से लेकर मार्च है। अगर आपसे कहते हैं कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकाला गया, तो क्वार्टर की स्टार्टिंग ये है, क्वार्टर की एंड ये है, और क्वार्टर के मिड जो इनके बीच में डेट आएगी वो क्वार्टर का होगा आपका मिड। तो अगर पैसा आपका रेगुलर निकाला गया है तो एवरेज पीरियड आपका निकालने का तरीका ये होगा। ये आपका फॉर्मूला था, आपका फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। कल हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप इन फॉर्मूलों तैयार करें। ओके, थैंक यू।